welcome back to our channel, Our Crazy Reactions. If you are new to this channel, hi, my name is Pidanshu. And my name is Navdeep. So, जिस वीडियो पे आज हम रिएक्शन देने जा रहे हैं, इस वीडियो का टाइटल है राहुल गांधी के इन फनी स्पीच को देखकर आप अपनी हंसी नहीं रोक पाएंगे। तो जब हमने पिछली वीडियो जो मोदी जी ठग लाइफ वाली वीडियो की थी, तो उसके बाद हमें काफी ज्यादा कमेंट्स है कि उसकी आप सेकंड पार्ट, थर्ड पार्ट भी लेकर आए और उसी के रिलेटेड और भी वैसे ही वीडियोस लेकर आए, तो इसलिए आज हम ये वाली वीडियो लेकर आए हैं। और इस वीडियो को देखने से पहले अगर आप हमें सपोर्ट करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में उसके लिंक्स हैं, आप हमें सपोर्ट कर सकते हैं। और आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो उसे लाइक जरूर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और फर्दर सजेशन में बताइए कि आपको ऐसी वीडियोस और चाहिए कि। हाँ, तो बाकी बातें बाद में करते हैं, पहले वीडियो देख लेते हैं। 1 2 3 स्टार्ट। में गलती की वजह से चर्चाओं में रहते हैं, वो चाहे लोकसभा में दिया गया भाषण हो या फिर चुनावी रैली में दिए गए भाषण हो। राहुल गांधी अक्सर अपनी गलती की वजह से लोगों के निशाने पर आ जाते हैं। ऐसा नहीं है कि राहुल ये गलती जानबूझकर करते हैं, ये गलती उनसे अनजाने में ही होती है, हो जाती पर है। लोग इस बात का मजाक ऐसे बनाते हैं कि राहुल का ये वीडियो फनी वीडियो में बदल जाता है। राहुल की ऐसी ही कुछ फनी बातें हम आपको सुनाने जा रहे हैं। लोकसभा चुनाव में एक बार राहुल ने किसी विषय पर अपना विचार सबके सामने रखा, सामने बैठे बीजेपी नेता ने मुस्कुरा दिया। उसके बाद राहुल ने किस अंदाज में बातें कही उसे देखकर आप अपनी हंसी नहीं रोक पाएंगे। अच्छी बात बोली, आपको अच्छी लगी तो ऐसे थोड़ा मार दीजिए हाथ, आप थोड़ा सा मार दीजिए, मार दीजिए। हाँ, वो ऐसे मारते हैं ना। क्यों कष्ट हो रहा है आपको, अगर अच्छी लगी मार दीजिए। राहुल गांधी इसके बाद इतने कॉन्फिडेंस में आ गए कि सामने स्पीकर को देखकर मेल फीमेल की ही गलती कर बैठे। राहुल गांधी की इस बात पर पूरा सदन ठहाकों में गूंज उठा। राहुल को उनकी गलती का एहसास तो हुआ, लेकिन तब तक काफी देर हो चुकी थी। स्पीकर मैडम, सॉरी चेयरमैन सर। राहुल गांधी की गलती पर मजे लेने वालों की कमी नहीं है, लेकिन राहुल है कि गलती करने से चूकते ही नहीं है, वो लगातार गलती करते रहते हैं। एक बार सदन में प्रधानमंत्री को घेरने के चक्कर में राहुल गांधी खुद ही बुरी तरीके से घिर गए। राहुल गांधी ने अपनी गलती में यूपीए सरकार की योजनाओं का नाम ही गलत बोल दिया। प्रधानमंत्री यहाँ खड़े होते ही कहते हैं नरेगा जैसी बेकार योजना मैंने कभी नहीं देखी। नरेगा, मनरेगा, मनरेगा, महात्मा गांधी योजना, बोलने दो। राहुल गांधी भाषणों में जितनी बार गलती कर चुके हैं, स्कूल में बच्चे भी इतनी बार गलती नहीं करते हैं। एक बार सदन में ही राहुल गांधी ने पेट्रोल डीजल की कीमतों पर बोलते हुए भारी गलती कर दी थी। उनकी इस गलती पर भी पूरा सदन ठहाके लगाकर हंसने लगा था। पहले पेट्रोल $130 प्रति बैरल हुआ करता था, आज ₹35 प्रति बैरल। $35 मैं सब कुछ जानता नहीं हूँ, सब कुछ समझता नहीं हूँ। राहुल ने पेट्रोल की कीमत को ₹35 बैरल बता दिया। जैसे ही उन्हें गलती का एहसास हुआ, उन्होंने इसे ठीक किया, लेकिन तब तक पूरा सदन हंसने लगा था। राहुल गांधी एक बार सदन में अरुण जेटली का जिक्र कर रहे थे कि उसी वक्त जेटली जी भी सदन में आ गए। राहुल गांधी ने हाथ जोड़कर उन्हें नमस्कार किया। राहुल के इस अंदाज पर पूरा सदन एक बार फिर हंसने लगा। कल मैं अरुण जेटली जी का भाषण सुन रहा था और हम यहां बैठे हुए थे और बीच में मैं ऐसे हिला, परसों गलती कर दी सही बात है। आ गए नमस्कार, सुन के आए, आपने सुना नहीं। ये तो सदन की बात हुई, रैलियों में भी राहुल गांधी ने कई दफे गलतियां की हैं, जिसे सुनकर आपको हंसी आ जाएगी। राहुल गांधी ने गुजरात में दूध उत्पादन को लेकर एक रैली में जिक्र किया था। राहुल के भाषण वाले इस वीडियो को हजारों लोगों ने वायरल किया है। गुजरात को अगर किसी ने खड़ा किया है, गुजरात को किसी ने खड़ा किया है, गुजरात को अमूल दिया है, गुजरात को दूध दिया है, तो इस तरफ देखिए, इन महिलाओं ने दिया है, गुजरात की महिलाओं ने दिया है।
रैलियों में भाषण देते हुए राहुल ने एक बार ऋषिकेश में गलती की थी, जब उन्होंने पीएम मोदी पर तंज कसते हुए फटा हुआ कुर्ता दिखाया था। इस बात को लेकर राहुल का काफी मजाक उड़ा था। हाल ही में राहुल के दिए कई भाषणों के छोटे छोटे हिस्से काफी वायरल रहे हैं। उन्होंने आलू की फैक्ट्री को लेकर एक बयान दे दिया था, जिसके बाद सोशल मीडिया पर आलू डालेंगे सोना निकलेगा, ये तो काफी वायरल। राहुल गांधी ने एक जनसभा में बोलते हुए कहा कि लोगों की मांग पर मैं आलू की फैक्ट्री नहीं लगा सकता। अच्छा, अच्छा, ये अलग है कि हाँ आलू की फैक्ट्री लगवाओ, आप कह रहे हो कि यहाँ पे किसान की मदद करो, अंत में मैं विपक्ष का नेता हूँ, मैं दबाव डाल सकता हूँ जो मैं कर रहा हूँ, मगर मैं डिसीजन तो नहीं ले सकता ना। राहुल गांधी की गलती इंडिया तक ही सीमित रहती तो चल जाता। राहुल ने यूएन में बोलते हुए एक भारी गलती कर दी, जब उन्होंने बताया कि भारतीय संसद में 546 मेंबर बैठते हैं। इसके बाद ट्विटर पर राहुल की काफी फजीहत हुई। इफ यू लुक एट लोकसभा 546 पीपल, टू मी दैट शुड बी 546 इंस्टीट्यूशन, डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन, ईच वन फंडामेंटली इन्वॉल्वड इन लॉ मेकिंग। राहुल गांधी अब कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष हो गए हैं। आगे भी वो अगर ऐसे ही बयान देते रहे तो उनके लिए और कांग्रेस पार्टी के लिए चुनौती खड़ी होती रहेगी। इससे अच्छा यही है कि राहुल जितना बोलना हो उसका आप पहले ही स्क्रिप्ट तैयार करें और पढ़ें। वन इंडिया की खास रिपोर्ट। वैसे ये पहले से ही ऐसा चल रहा है कि वो ना उनको पता नहीं लगता कि क्या बोल रहे हैं, और काफी ज्यादा काफी बार वो ऐसा कुछ बोल देते हैं कि वो वायरल हो जाता है और उसके मीम्स काफी बन जाते हैं, और ऑब्वियसली जो ऑपोजिशन पार्टी है वो तो उसको उसके मजे लेगी लेगी, और लोग भी बड़ा मजा लेते हैं उसका। और जैसे वो वाला मैं बता रहा हूँ कि वो आलू वाला तो काफी फेमस हुआ था, एक तरफ से आलू डालेंगे दूसरी तरफ से सोना निकलेगा, वो तो काफी ज्यादा वायरल हुआ था, मीम्स इतने बने थे उसके, और भी काफी ज्यादा होता रहता, अभी तक हो रहा है ये। तो हमें तो काफी फनी वीडियो लगी, और अगर आपको भी फनी वीडियो लगी तो इसे लाइक जरूर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और फर्दर सजेशंस कमेंट करें।